Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in the fifth lecture of the course Introduction to Exceptionalities. In our fourth lecture, we discussed educational considerations of intellectual developmental disabilities. In our fifth lecture, we will carry on the topic. In last lecture, we discussed history and educational movements for intellectual developmental disabilities. Level of supports, response to intervention, educational concerns for intellectual developmental disabilities, what is the need of the time, and how to adapt the learning environment and what kind of learning environment are most suitable for intellectual developmental disabilities. We discussed the two environments in inclusion and special education. Now we will move towards our next topic, that is curriculum adaptation. Once we select the best suited learning environment according to the needs of intellectual developmental disabilities, then we move forward to adapt the curriculum. So the classroom structure prove helpful for children with intellectual developmental disabilities. How can we adapt the curriculum? Goals for curriculum adaptation. There has been much discussion about the most desirable curriculum for children with IDD. Should the content be modified from that given to the every child? If so, where is the educational sequence? Should the branching take place in secondary school, in middle school, or should the curriculum be different from the beginning? The important question to be answered in the development of curricula for students with IDD are: what are our goals? What are our immediate objectives to reach that goals? सबसे पहले ये decide करना है कि curriculum जो है वो किस तरह का होना चाहिए, curriculum को modify करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वही curriculum intellectual developmental disabilities के लिए use करना चाहिए जो कि हम वैसे एक norm के लिहाज से एक बच्चे के साथ use कर रहे हैं, ठीक? या अगर हमने modification शुरू करनी भी है, curriculum का अडेप्ट करना भी, उसे मॉडिफाई करना भी, तो किस लेवल से शुरू करना है? आया प्राइमरी से करना है, सेकेंडरी से करना है, मिडिल लेवल से करना है, करिकुलम स्टार्ट से करना है, करिकुलम यानी कि बुक्स को मिड से शुरू करना है, किस तरह से ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हमें टेकअप करने हैं? तो इसके लिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स अपने सिलेक्ट किए हुए हैं, क्या हमने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चा है उसे किस लेवल तक लेके जाना है, उस लिहाज से हम करिकुलम अडेप्टेशन करते हैं बच्चे की सीवियरिटी लेवल को मद्देनज़र रखते हुए। करिकुलम अडेप्टेशन के हवाले से हम कुछ गोल्स हैं उनको ज़रूर देखते हैं। गोल्स फॉर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, गोल फॉर मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एंड गोल्स फॉर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। अगर हम गोल्स देखें, गोल्स फॉर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ अगर हम गोल्स को देखते हैं तो उसमें मैंने ये एग्जांपल ली है आपकी बुक में से, एजुकेटिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, किर्क एंड गैलगर की ये बुक है, आपके साथ मैंने गूगल क्लासरूम में शेयर की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब बेन का क्या प्रॉब्लम है कि बेन जो है वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ है, ठीक? अब बेन का हमने जब करिकुलम डिसाइड करना है तो उसमें हमने उसके तीन एरियाज रखे हैं, पहला एकेडेमिक्स रखा है, दूसरा सोशल रखा है, तीसरा फिजिकल रखा है। अब एकेडेमिक्स में हमारा गोल क्या है? बेन विल इंक्रीज हिज रीडिंग एंड मैथ स्कोर्स बाय वन ईयर ईच ऑन स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक? बेन का स्कोर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, रीडिंग और मैथ स्कोर्स वो इंक्रीज होते रहेंगे हर साल उसके स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अच्छा, अब उसके लिए हमने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या बना दिए? हमने कहा कि हम रेसिप्रोकल टीचिंग टेक्निक यूज़ करेंगे उसकी रीडिंग परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, और पीयर एडल्ट इंटरेक्शन भी यूज़ करेंगे, ठीक? अच्छा, उसके बाद उसका सोशल एरिया क्या है? बेन विल रिड्यूस हिज रेजिस्टेंस
एंड प्रोपोजिशनल बिहेवियर एपिसोड्स बाय वन हाफ बाय एंड ऑफ ईच स्कूल ईयर। मतलब कि बेन का रेजिस्टेंट और ऑपोजिशनल बिहेवियर है वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। ठीक, तो उसके लिए हमने शॉर्ट टर्म गोल क्या सिलेक्ट किया, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट विल बी यूज टू डिक्रीज द बेसिस फॉर ऑपोजिशनल बिहेवियर। क्या रीजंस हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट की टेक्निक को यूज़ करते हुए। रेजिस्टेंट एपिसोड्स चार्टर्ड शुड बी डाउन बाय 25% और हम हर साल 25% तक उसे स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे उसकी रेजिस्टेंट बिहेवियर को। फिर फिजिकल एरिया की बात आती है, बेन विल बी इन्वॉल्व इन टीम सपोर्ट्स टू इनकरेज शेयरिंग एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर। जैसे हमने ऊपर देखा सोशल के एरिया में कि वो रेजिस्टेंट बिहेवियर है, उसका ऑपोजिशनल बिहेवियर है, तो हमने उससे ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने जो कि कोऑपरेटिव बिहेवियर और शेयरिंग की तरफ लेकर जा रही हूँ। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, बेन विल बी इन्वाइटेड बाई फिजिकल एजुकेशन टीचर टू प्ले आफ्टर स्कूल सोसर, नंबर ऑफ कन्फ्रंटेशंस एंड रेजिस्टेंट बिहेवियर विल बी काउंटेड एंड रिडक्शंस नोटेड। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर क्या करेगा, जब वो स्टूडेंट्स के साथ प्ले कर रहा होगा या प्ले करने की कोशिश करेगा या उस इन्वायरमेंट में भी मौजूद होगा, तो टीचर ये नोट करेगा कि कितनी दफ़ा उसका रेजिस्टेंट बिहेवियर जो है वो शो अप होता है। ठीक, और उसके बाद उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर हमने करिकुलम क्या डिसाइड किया, एकेडमिक, सोशल और फिजिकल के हवाले से, और ये हमारे एनुअल गोल्स थे। ठीक है, जिसको हमने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में देखा। तो ये एक आईपी प्लान था जो कि हमें हेल्पफुल कर रहा था कि हमने किस तरह का करिकुलम जो है बेन के लिए डिज़ाइन करना है जो कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ है। अब आते हैं मॉडरेट कैटेगरी की तरफ, गोल फॉर मॉडरेट IDD। इस यहाँ पे भी एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी हुई है, फॉर स्टूडेंट्स लाइक कैरल हु हैव मॉडरेट IDD रीजनेबल गोल्स कैन बी और आर टू, फर्स्ट लर्न टू रीड एट लीस्ट द सर्वाइवल वर्ड्स। कैरल जो है वो मॉडरेट डिसेबिलिटी के साथ है, हमने उसे ये सिखाना है कि एट लीस्ट वो सर्वाइवल वर्ड सीख जाए जैसे कि स्टॉप, पॉइजन, रेस्ट रूम, वॉशरूम, पुश, पुल। ठीक है, ये सारे सर्वाइवल वर्ड्स हैं। डू बेसिक अरिथमेटिक एंड अंडरस्टैंड द वेरियस डिनोमिनेशंस ऑफ मनी। बच्चा इस काबिल हो जाए कि हम उसको अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक सिखा दें, मीन्स वो काउंटिंग करने लग जाए, उसको सब्ट्रैक्शन आती हो, मॉडरेट लेवल तक सब्ट्रैक्शन और काउंटिंग ही बच्चे सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही बच्चे अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा वेरियस डिनोमिनेशंस ऑफ मनी के, आपने अगर 20 रुपये दिए हैं तो आपने 2 कैंडीज अगर परचेज की हैं तो बाकी आपको कितने आएंगे। ठीक है, तो जो मनी है उसकी डिफरेंट शेप्स, मतलब कॉइन्स में भी वही क्वांटिटी बनती है और रुपीज़ में भी वही क्वांटिटी बनती है, ये चीज़ें बच्चे को समझाई जाएँ, उसको पता हो। लर्न सोशल स्किल्स सच एज द एबिलिटी टू वर्क कोऑपरेटिवली विद अदर्स, डिवेलप सम लेयर टाइम स्किल्स, कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पर्सन सच एज स्टोर कीपर्स एंड कम्युनिटी हेल्पर्स, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, सोशल स्किल्स का प्रॉब्लम होता है, लेयर टाइम स्किल्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं। लर्न सम वर्क स्किल्स टू बी पार्शली और फुली सेल्फ सपोर्टिंग इन एडल्टहुड। ठीक, तो ये हमने कैरल के लिए जो है कुछ गोल्स डिसाइड किए थे। अच्छा, अब जब हम गोल्स की बात करते हैं और गोल्स जब माइल्ड IDD के लिए आते हैं तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है। द मोर डिफ़िकल्ट करिकुलम डिसीजंस इन्वॉल्व चिल्ड्रन विद माइल्ड IDD हु कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीच अ मीडियम टू हाई एलिमेंट्री स्कूल लेवल ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। दिस डिसीजन इज पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट इफ़ द चाइल्ड इज़ इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। The curriculum will be the general education curriculum, which may or may not meet the needs of the child, except for the social contacts the student can have in the class. Patton suggested that it is possible to infuse relevant career education topics into regularly assigned lessons. मतलब ऐसा बच्चा जो कि माइल्ड कैटेगरीज के साथ है उसके लिए फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है उसको, उसकी एडजस्टमेंट जो है, और स्पेशली अगर वो इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में हो तो फिर क्या तरीकाकार यूज़ करना चाहिए। खैर, जब करिकुलम अडेप्टेशन की बात आती है तो हमारे पास एक आइडियल सेटिंग जो आती है वो आती है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की, कि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है। What are differentiated instruction? The most common adaptation suggested to teachers for children with IDD is differentiated instruction. But what exactly this term means? It doesn't mean that we are going to provide totally different or totally
differentiated instruction that may vary from the norms. It means that each teacher adjusts the level of difficulty of task to fit the level of development of the child with IDD. उसने टास्क डिफ़िकल्टी का लेवल चेंज करना है टीचर ने, ताकि IDD के साथ जो बच्चा है वो उस लेवल को मीट अप कर सके. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रेस्ट ऑफ द क्लास इज डूइंग कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रॉब्लम्स, द चाइल्ड विद IDD में बी गिवन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स एट हिज और हर लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. समटाइम्स सच डिफ्रेंशिएटेड लेसन्स आर रेफर टू एज टायर्ड असाइनमेंट्स. मोस्ट ऑफ द टाइम इन डिफ्रेंशिएटेड लेसन्स को टायर्ड असाइनमेंट्स भी कहा जाता है. समटाइम्स सच डिफ्रेंशिएटेड लेसन्स आर रेफर टू एज टायर्ड असाइनमेंट्स. इसका क्या मतलब है कि हमने डिफ़िकल्टी लेवल चेंज कर दिया. एक बच्चा जो है, दो या चार बच्चे या छह बच्चे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं, जैसे आपने RTI मॉडल में देखा था, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन मॉडल में, कि उसमें भी डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है, कि हमने किस लेवल पे बच्चों को रखना है. तो कुछ बच्चे एक लेवल पे हैं, कुछ दूसरे पे हैं और कुछ तीसरे पे हैं. यहाँ पर भी ऐसा ही है, कुछ बच्चे जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन कर पा रहे हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में. ये भी एक इंक्लूसिव क्लासरूम ही होता है. और कुछ बच्चे जो कि माइल्ड कैटेगरीज के साथ आए, वो क्या कर रहे हैं, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. और कुछ बच्चे जो कि जिनका प्रॉब्लम ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, तो हो सकता है उनको सिर्फ काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स को काउंटिंग करने के लिए दिया गया हो. तो ये टायर्ड असाइनमेंट्स होती हैं. एरियाज़ ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के कुछ एरियाज़ हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं या किन किन एरियाज़ में हम इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. In most programs for children with mild and moderate IDD, particularly for those who are grouped with other students of limited abilities or performance, differentiated instruction take place in four major areas. First area is readiness and academic skills. With preschoolers and elementary school children, basic reading and arithmetic skills are stressed. Later, these skills are applied to practical work and community settings. Communication and language development. The student gets practice in using language to communicate needs and ideas. Specific efforts are directed towards improving memory skills and problem solving skills at the level of the student's ability. Third area is socialization. Specific instruction is provided in self-care and family living skills, beginning at the preschool level with sharing and manners, then gradually developing in secondary school into such subjects as grooming, dancing, sex education and avoiding drug abuse. Pre-vocation and work study skills. The basis for vocational adjustments through good work habits, that is promptness towards following through on instruction, working cooperatively or group projects is established. At the secondary school level, this curriculum can focus on career education and include part-time job placement and field trip also to possible job sites. ठीक के मतलब, आप जब IDD के साथ काम कर रहे हैं, जब आपने instructions को differentiate करना है, आपने उनके readiness और communication, academic skills पे काम करना है, उनकी communication पे काम करना है, उनकी socialization और vocational skills पे काम करना है, ताकि वो बाद में उनकी job placement जो है वो possible हो सके. तो these were the differentiated instruction. How we can adapt language and communication curriculum for children with intellectual developmental disabilities. There is a substantial effort in elementary schools to help children with moderate retardation use language as a tool for communication. Students may be asked to describe a simple object such as table, it is round, it is hard, you put things on it is brown. And they may learn to communicate feelings of happiness, anger and sadness by using language. ठीक, अच्छा ये क्या चीज़ है कि मतलब बच्चे को आपने कम्युनिकेट करने के काबिल बनाना है, ठीक है. जैसे कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट है टेबल, कि टेबल क्या है, टेबल इज़ राउंड, टेबल इज़ हार्ड, यू पुट थिंग्स ऑन इट, इट इज़ ब्राउन, ठीक है. मतलब टेबल की आपने करेक्टरिस्टिक्स जो है उस बच्चे को बता दी. कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आपकी क्लास में ही वेरिएशन होंगी, डाइवर्सिटी होगी, ठीक है, बच्चे की लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के हवाले से. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि कह सकेंगे कि येस इट इज़ टेबल.
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये भी कह सकेंगे कि हाँ ये गोल है, ये सख्त है, हम इस पे चीज़ें रखते हैं, मैं इस पे अपनी बुक रखता हूँ, मैं टेबल पे बुक रख रहा हूँ, मैं टेबल पे बुक रख लूँ, ठीक है, वो आपसे इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आप पूछेंगे कि वेयर इज़ द टेबल, तो वो सिर्फ पॉइंट आउट ही कर सकेंगे कि येस इट इज़ टेबल, और येस इट इज़ अ क्लॉक, इट इज़ चेयर, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि सिर्फ पॉइंट आउट करके अपनी लैंग्वेज को और अपनी कम्युनिकेट आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे गेस्टर्स पे रह रहे होते हैं, कुछ सिंबल्स पे रह रहे होते हैं, और कुछ लैंग्वेज पे रह रहे होते हैं। सो लैंग्वेज एक्सरसाइजेस फॉर चिल्ड्रन विद मॉडरेट रिटार्डेशन एम टू फोस्टर द डिवेलपमेंट ऑफ स्पीच एंड अंडरस्टैंडिंग एंड यूज़ ऑफ वर्बल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कि आपने बच्चे से ज़्यादा इनपुट लेने की कोशिश करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स सच एज द एबिलिटी टू लिसन टू स्टोरीज, डिस्कस पिक्चर्स एंड टेल अदर्स अबाउट रिसेंट एक्सपीरियंसेस आर स्ट्रेस्ड। टू इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ स्टडीज आर द होम एंड द कम्युनिटी। कहाँ पर ज़्यादा लैंग्वेज और कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्ट कर सकती है बच्चे की, या बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा डिवेलप हो सकती है, तो दो मेन सेटिंग्स जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, पहली सेटिंग है होम और दूसरी सेटिंग है कम्युनिटी, जहाँ पे रहते हुए बच्चा अपनी लैंग्वेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकता है। चिल्ड्रन लर्न अबाउट हॉलीडेज, ट्रांसपोर्टेशन, द मंथ ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द वीक एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू होम लाइफ। मतलब ये सारी चीज़ें वो होम लाइफ से सीखते हैं कि आज दिन क्या है, महीना कौन सा है, सफ़र के बारे में कुछ चीज़ें हो, छुट्टियों में जब वो घर रहता है तो वो बहुत सी चीज़ें सीखता है छुट्टियों के हवाले से। क्लासेस मेक यूज़ ऑफ ड्रामेटाइजेशन, एक्टिंग आउट अ स्टोरी और अ सॉन्ग, प्लेइंग मेक बिलीव, इंगेजिंग इन शेडो प्ले एंड यूजिंग गेस्टर्स विद सॉन्ग, स्टोरीज एंड राइम्स एंड पोएम्स, ठीक है। तो क्लासेस में बच्चा क्या करता है कि वो ड्रामेटाइजेशन के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू अपने पीयर्स के साथ इंगेज होके, सॉन्ग्स पे गेस्चर करके, पोएम्स पे रिएक्ट करके, राइम्स पे रिएक्ट करके, स्टोरीज पे रिएक्ट करके बच्चा जो है कम्युनिकेशन या अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखता है। तो ये होम एंड स्कूल और कम्युनिटी, ये कुछ सेटिंग्स हैं जिस पे बच्चा जो है उसकी लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होती है। नाउ कम्स टू दीज वर द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, एंड हाउ कैन वी अडेप्ट द करिकुलम एंड सेटिंग्स फॉर बेटर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ कम्स टू वर्ड सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स क्या हैं? सोशल स्किल्स आर अ क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द प्राइमरी स्कूल और प्री स्कूल चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन हु हैव इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंटल डिसबिलिटीज, बट इंस्ट्रक्शन एट दिस लेवल शुड बी इनफॉर्मल। चिल्ड्रन कैन लर्न टू टेक टर्न्स, शेयर एंड वर्क कोऑपरेटिवली एज पार्ट ऑफ देयर डेली एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, द लंच टेबल फॉर यंग चिल्ड्रन इज एन एक्सेलेंट लोकेशन फॉर टीचिंग सोशल स्किल्स। हेयर यंगस्टर्स लर्न टेबल मैनर्स एज वेल एज हाउ टू पास एंड शेयर फूड, हेल्प अदर्स इन पोरिंग जूस फॉर एग्जाम्पल एंड वेट देयर टर्न। द लंच टेबल इज ऑल्सो अ गुड प्लेस टू रिव्यू द मॉर्निंग एक्टिविटीज एंड टॉक अबाउट वट इज प्लान फॉर द आफ्टरनून और द नेक्स्ट डे। ऑल दो द टीचिंग इज इनफॉर्मल, इट इज बोथ इफेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट टू द चाइल्ड्स सोशल डिवेलपमेंट। हमने सोशल स्किल्स बच्चों को सिखानी है, और ये इनफॉर्मल लेवल में या इनफॉर्मल सेटिंग में भी आप सिखा सकते हैं। और सोशल स्किल्स सिखाने के लिए लंच टेबल जो है क्लासरूम में, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल प्लेस होती है कि बच्चे को सोशल स्किल्स सिखाई जाए, क्योंकि वहाँ पे बच्चा शेयरिंग करना सीखता है, एक दूसरे को चीज़ें पास करना सीखता है, दूसरों की हेल्प करना सीखता है, अपनी वेट या टर्न टेकिंग सीखता है, और अपने टर्न पे वेट करना भी सीखता है, ठीक है। चिल्ड्रन विद IDD समटाइम्स हैव डिफिकल्टी ट्रांसफरिंग और अप्लाइंग आइडियाज फ्रॉम वन सेटिंग टू अनदर। इनका प्रॉब्लम क्या है? सोशल स्किल्स आपने इन्हें सिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग में अपने आइडियाज़ को अप्लाई करने में या अपनी एबिलिटीज़ को जनरलाइज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जूस पोरिंग उस क्लास में सिखाई है कि बच्चे ने ग्लास में जूस कैसे डालना है। अगर घर में उसको आप ये चीज़ एज अ होमवर्क या टास्क करने को दे दें, हो सकता है वो ना कर सके। पहले रीज़न क्या हो सकती है? ये कि उसने पहला टास्क जो था स्कूल में अपने पीयर्स के साथ किया, ठीक है, तो सेटिंग चेंज हो गई। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? हो सकता है कि क्लास
क्लास में टीचर ने ज़्यादा कलरफुल जग यूज़ किया हो, रेड कलर का जग हो, येलो कलर का जग हो, जो कि उससे ज़्यादा इंस्पायर कर रहा हो, और घर में जो है जग ट्रांसपेरेंट हो या स्काई ब्लू या डल से कलर का हो कि उसे अट्रैक्ट ना कर रहा हो। ठीक, तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों के साथ, कलरिंग के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, शेप्स के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। तो इस वजह से इन्हें एक एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग में जनरलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। दस वी टीच सम नीडेड सोशल स्किल्स डायरेक्टली, वी डू नॉट एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन टू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दी स्किल्स एंड अप्लाई दैम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। हम ये कभी भी बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपने उसे एक दफ़ा जग से ग्लास में वाटर पोर करके दिखा दिया तो बच्चा भी एकदम से कर लेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, और आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उस बच्चे से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि वो बच्चे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से फ़ौरन से सीख जाएं, बल्कि उन्हें टाइम लगता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मेथड जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इनके लिए। पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इज़ ग्रेजुअली मास्टरिंग सोशल स्किल्स टू इस्टेब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। जब सोशल स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं तो एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो रही होती है, क्योंकि बच्चा इंटरेक्ट कर रहा होता है दूसरों के साथ। वी रेयरली थिंक अबाउट दीज स्किल्स बिकॉज दे इमर्ज थ्रू अडल्ट एंड पीयर मॉडलिंग विदाउट आर बींग कॉन्शियस ऑफ दैम। हम जो नॉर्म में रहते हुए लोग हैं, हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, हम अनकॉन्शियसली बहुत सी सोशल स्किल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि सलाम करना, गले मिलना, इंटरेक्ट करना। ठीक, लेकिन इनको सिखाया जाता है, ये ऑब्जर्व करके सिर्फ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनको कॉन्शियस एफर्ट्स पे करनी पड़ती हैं, एक गेस्चर देने के लिए भी, सलाम करने के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर आस्क्ड हाउ वी मीट स्ट्रेंजर्स, ब्रेक अनप्लेजेंट न्यूज़, कम्युनिकेट विद समवन वी हैव नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और टेल समवन डैट ही इज़ इंट्रूडिंग ऑन आर स्पेस एंड टाइम, इट इज़ लाइकली डैट वी विल हैव टू थिंक फॉर अ वाइल बिफोर वी कैन रिकॉल द कोपिंग स्ट्रेटजीज डैट वी यूज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स। दीज स्किल्स आर द लुब्रिकेशन डैट अलाउज ईच ऑफ अस टू मूव स्मूथली थ्रू आवर डेली कॉन्टेक्ट्स एंड टास्क। सम वन हु इज मार्केटली डेफिशियंट और ऑकवर्ड इन सच स्किल्स स्टैंड आउट इन अ क्राउड। मैनी चिल्ड्रन विद IDD लैक दीज सोशल स्किल्स एंड नीड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन दैम इफ दे आर टू इस्टेब्लिश अ यूजफुल पर्सनल एंड कम्युनिटी एडजस्टमेंट, वरना वो हजूम में अकेले रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने उन्हें कम्युनिटी से गो थ्रू करवाना है तो आपको उनको सोशल स्किल्स सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब हमने बात की करिकुलम पे, तो सबसे बेस्ट करिकुलम स्ट्रेटजी इनके लिए क्या आती है? द मोस्ट बेस्ट, द मोस्ट सूटेबल करिकुलम स्ट्रेटजी इज फंक्शनल एकेडमिक्स। दिस नोशन ऑफ प्लानिंग एकेडमिक्स एंड फंक्शनल स्किल्स इज एम्बॉडिड इन फंक्शनल एकेडमिक्स, टीचिंग एकेडमिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेली लिविंग स्किल्स। अब बच्चे की डेली लिविंग स्किल्स के हवाले में रहते हुए उसे जब एकेडमिक्स सिखाते हैं या उसकी एकेडमिक्स पे काम करते हैं, तो एकेडमिक्स और फंक्शनल स्किल्स का ब्लेंड जो है वो फंक्शनल एकेडमिक्स कहलाता है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के लिए बेस्ट सुटेड स्ट्रेटजी जो है, बेस्ट करिकुलम अडेप्टेशन जो है, वो फंक्शनल एकेडमिक्स ही है। आफ्टर डिस्कसिंग हाउ टू अडेप्ट द करिकुलम, वी विल मूव टू सम टीचिंग स्ट्रेटजीज डैट कैन बी हेल्पफुल टू इम्प्लीमेंट द अडेप्टेड करिकुलम इन आर क्लासरूम्स। इफ वी नीड टू अडेप्ट द करिकुलम सक्सेसफुली इन आर क्लासरूम्स, वी हैव टू टेक सम टीचिंग स्ट्रेटजीज सो डैट वी कैन हेल्प आर इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंटल डिसबिलिटीज चिल्ड्रन टू देयर मैक्सिमम एक्सटेंट। हेयर आर सम चेंजिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज डैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। इवन इफ द सेम कॉन्टेंट इज बींग यूज इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स, देयर आर स्ट्रॉन्ग रीजन्स फॉर मॉडिफाइंग द टीचर्स अप्रोच टू मीट द स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद IDD। हम पहले मैंने बात की है कि हमने करिकुलम को अडेप्ट कर लिया है, तो हमने कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है। जबकि वो ये भी कह रहा है कि अगर आप इंक्लूसिव क्लासरूम में भी आपने बच्चे को बिठाया हुआ है और आप उसको गो थ्रू करवा रहे हैं सेम कंटेंट से, आपने करिकुलम उसका इतना नहीं चेंज किया, लेकिन फिर भी उसकी स्पेशल नीड्स को मीट करने के लिए आपको कुछ
करिकुलम कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज से ज़रूर गुजरना पड़ेगा ताकि आप उसे करिकुलम में सक्सेसफुल बना सकें जो आपने करिकुलम उसके लिए चूज़ किया है। ठीक, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ सिर्फ स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम के लिए हैं, बल्कि ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ ओवरऑल किसी भी सेटिंग के लिए हेल्पफुल है। इसमें हैं पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन, टास्क एनालिसिस, सिस्टमैटिक फीडबैक। पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सिस्टमैटिक फीडबैक, सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन, टास्क एनालिसिस, दीज आर सम स्ट्रेटजीज दैट आई हैव टुक फ्रॉम द लिटरेचर, फ्रॉम द रिसर्चेस टू शो यू पीपल हाउ वी कैन चेंज आवर गेम फॉर इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंटल डिसेबिलिटीज। फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट। The goal of PBS are to achieve improved curriculum performance, enhanced social competence, and safe learning and teaching environment. One of the most advanced moves made for children with IDD has been the introduction of positive behavior supports. In educational programming, behavior problems or disruption have unfortunately been a major part of the lives of too many children with IDD. This may be due in part to the fact that they have grown up in an environment in which such behavior is the norm. It may also be that these children have been reacting to their inability to live up to adult expectation at home and at school. Unfortunately, the teacher response to disruptive behavior is often to be punitive, which compounds the problem. Means wo bachcha jo hai वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, उसका घर का माहौल ऐसा है कि उसको स्ट्रेस अप किया हुआ है क्योंकि वो अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पे मीट अप नहीं हो रहा। ठीक है, तो फैमिली ने उसे हर हद तक स्ट्रेस अप करने की कोशिश की हुई है। ठीक, अब अगर टीचर भी उसके स्ट्रेस में इजाफा कर देगा, उसके उस बिहेवियर को नहीं समझेगा, तो फिर बच्चा जो है उसकी प्रॉब्लम्स में इजाफा ही होगा, वो और ज़्यादा सजा में आ जाएगा, वो उस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं निकल सकेगा। तो टीचर्स जो बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे अडॉप्ट कर सकती हैं वो पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट की स्ट्रेटजी है। द स्ट्रेटजी ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट एक्सपोजेस दैट व्हेन फेस्ड विद सम फॉर्म ऑफ बिहेवियर डिस्ट्रप्शन द टीचर शुड फोकस ऑन ह्यूमन मोटिवेशन नॉट जस्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, Ben, a student filled with mild intellectual developmental disabilities, has shouted no to the teacher's request to pick up his reading book. Why should Ben do such a thing, considering that it will surely bring unpleasant reprimands? What hidden rewards must Ben receive from this situation that would cause him to burst out like that? There must be rewards of some sort or he would not have done it. ठीक है, अच्छा सिचुएशन क्या है? बेन, टीचर ने बेन को बुक पकड़ने के लिए कहा, लेकिन बेन ने फौरन से चिल्ला के कहा कि नहीं। ठीक, अब टीचर का यहाँ पर क्या काम है? टीचर ने रिकॉल करना है सारा प्रोसेस और टीचर ने ये देखना है कि बेन ने नो क्यों कहा, रीज़न क्या थी, उसके लिए एनवायरनमेंट में कौन सा ऐसा मोटिवेशन फैक्टर मिसिंग था कि उसने नो कह दिया। टीचर ने उसके बिहेवियर को पॉजिटिवली गाइड करने की और पॉजिटिव वे में ले जाने की कोशिश करनी है। द गोल ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर सपोर्ट आर टू अचीव इम्प्रूव्ड एकेडेमिक परफॉर्मेंस, हमने एकेडेमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, इन्हांस्ड सोशल कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करना है, और सेफ लर्निंग एंड टीचिंग इन्वायरमेंट स्टूडेंट के लिए बनाना है। द सीकिंग ऑफ द वाई ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हैज़ ट्रेडिशनली बीन द रोल ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड द साइकेट्रिस्ट, नॉट ओनली द टीचर हु हैज़ इमीडिएट सर्कमस्टांसिस टू डील विद। ठीक है, सिर्फ टीचर का ये काम नहीं है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का भी ये काम है, लेकिन ऑन द होल इमीडिएटली तो टीचर को ही सर्कमस्टेंसेस को डील करना पड़ता है, इसलिए टीचर को भी ये टेकअप करना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब बेन को टीचर ने सेटल डाउन कैसे किया कि उसका नो का रिस्पॉन्स जो था वो टीचर ने कैसे सेटल डाउन किया? टीचर ने उससे बात की, या फिर उसको एक खामोश जगह पर ले गई, या फिर उसको उस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करने को कहा, उसको रिकॉल करवाया और उसको पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट के थ्रू उसको सिचुएशन से बाहर निकाला कि वो दोबारा ऐसा रिएक्शन टीचर को ना दे। उसके बाद
जो दूसरी स्ट्रेटेजी आती है वो है स्कैफोल्डिंग की। कि व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? इन स्कैफोल्डिंग टीचर मॉडल्स द एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड देन गाइड्स द स्टूडेंट्स थ्रू द अर्ली स्टेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एज द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेस द टीचर ग्रेजुअली विदड्रॉज एड, हेंस द नेम स्कैफोल्डिंग। द गोल इज टू हैव द स्टूडेंट इंटरनलाइज द नॉलेज एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या किया जा रहा है कि टीचर बच्चे को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसने कुछ मटेरियल, कुछ एड्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यूज़ की हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें टीचर, जैसे जैसे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी ना, टीचर उन चीज़ों को रिड्यूस करती जाएगी, उन एड्स को, उन टीचिंग मटेरियल्स को रिड्यूस करती जाएगी, ताकि बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन भी डिवेलप हो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ। इस प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहेंगे, जब टीचर जो है अपने मटेरियल को रिड्यूस करती जाएगी। टीचर ने बच्चे को सिखाना है एप्पल, अब टीचर एप्पल का फ्लैश कार्ड यूज़ करेगी, टीचर एप्पल के बारे में वीडियो दिखा देगी, टीचर एप्पल को बुक में दिखा देगी, टीचर एप्पल को 3D या मतलब रियल ऑब्जेक्ट में दिखा देगी या 3D ऑब्जेक्ट में दिखा देगी, ठीक है। ये सारी स्कैफोल्डिंग कब कहलाएगी? जब टीचर, जब बच्चे को एप्पल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और टीचर जो है 3D मटेरियल को निकाल देगी, रियल एप्पल को निकाल देगी, वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता निकाल देगी, ठीक है, और उसके इंस्ट्रक्शन में सिर्फ फ्लैश कार्ड रहने देगी कि वो एप्पल को रिकग्नाइज कर ले। तो ये स्कैफोल्डिंग की टेक्निक कहलाएगी कि टीचर ने जितने भी मटेरियल यूज़ किए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसको विदड्रॉ करती जाएगी, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से डिवेलप हो सके और वो इंडिपेंडेंटली उस चीज़ों के साथ ऑपरेट कर सके, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा कहीं भी एप्पल देख के जर्नलाइज करने के काबिल हो जाए, तो ये स्ट्रेटजी है कि जो टीचर अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी है रेसिप्रोकल टीचिंग की। इन रेसिप्रोकल टीचिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टेक टर्न्स लीडिंग अ डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और ऑन एनी एक्टिविटी। दिस एक्सरसाइज फीचर्स 4 एक्टिविटीज: क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग। इन दिस स्ट्रेटजी एज इन स्कैफोल्डिंग द टीचर मॉडल्स हाउ टू कैरी आउट द एक्टिविटी सक्सेसफुली। The students then imitate the teaching style while the teacher plays the role of the student. In this way, teacher becomes active player in a role they find enjoyable. अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि टीचर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे टीचर को भी कुछ नहीं पता, ठीक है, और वो बच्चे के साथ रोल प्ले करके, मतलब टीचर स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट टीचर्स होते हैं, वो क्वेश्चनिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह से रेसिप्रोकल टीचिंग में स्टूडेंट और टीचर जो है आपस में काम करते हैं, कि टीचर भी ऐसे ही शो करता है कि जैसे वो कोई कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को समझाना चाह रही है तो स्टूडेंट्स को भी नहीं पता, और जो स्टूडेंट्स उनमें इंटरेक्ट कर सकते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, टीचर आंसर करेगी, या जो स्टूडेंट्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वो सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन की है। कि सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं या उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द रोल ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स विद IDD? तो हम अगर सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन को देखें, द यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स consequences for performance and strategy for the transfer of stimulus control. Effective teaching of students with intellectual disabilities involves systematic instructions. Again, the use of instructional prompts, sequence for performance and strategies for transfer of stimulus control. Students who are intellectually disabled often need to be prompted or cued to respond in appropriate manner. These prompts can be verbal, can be gestural, can be physical, can be teacher may use modeling. A verbal prompt can be questions such as what do you need to do next, or commands such as put your socks in a top dresser drawer. A gestural prompt might involve pointing to the socks or the drawer while stating the question or the command, taking the student's hand and placing it on the socks or the drawer is an example of physical prompt. The adult might also model putting the socks in the drawer before then asking the student to do it. ठीक, अब ये क्या चीज़ें हैं?
एग्जाम्पल है सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, क्या कहती हैं कि आपने स्टूडेंट्स को प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करनी है, और प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो 4 लेवल्स की होती हैं। वर्बल प्रॉम्प्ट्स होती हैं, गेस्चरल प्रॉम्प्ट्स होती हैं, फिजिकल प्रॉम्प्ट्स होती हैं, या 4th लेवल आ जाता है मॉडलिंग का। 4 टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स हैं कि टीचर जो है बच्चे को इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व कर सकता है, बच्चे को कह सकता है कि वो कोई काम, वो कोई रिएक्ट करे, ठीक है, और सीक्वेंस बनाता है, कॉन्सिक्वेंस होता है परफॉर्मेंस का। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने बच्चे को ये कहा है कि अपनी सॉक्स जो हैं वो ड्रॉअर के अंदर रखो, ठीक। अब टीचर ने इसके लिए वर्बल प्रॉम्प्ट क्या यूज़ की, पुट योर सॉक्स इन द टॉप ड्रेसर ड्रॉअर, ठीक। अब वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ साथ अगर टीचर ने गेस्चर भी दे दिए, सॉक्स की तरफ पॉइंट आउट कर दिए या फिर ड्रॉअर की तरफ पॉइंट आउट कर दिए या दोनों की तरफ पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है, कि पुट योर सॉक्स इन योर ड्रॉ, ठीक। ये टीचर ने वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज़ की है और फिंगर से पॉइंट आउट भी की है, तो टीचर ने 2 तरह के प्रॉम्प्ट्स उसके साथ यूज़ किए हैं। अब फिजिकल प्रॉम्प्ट क्या है कि टीचर जो है बच्चे को ये हेल्प आउट कर रहा है कि वो सॉक्स उठा ले या वो ड्रॉअर को खोले, ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉम्प्ट थी। और मॉडलिंग क्या है कि टीचर ने बच्चे को खुद करके दिखाया है कि ये आपकी सॉक्स बनी हुई हैं, ये आपने यहाँ से उठा के फर्स्ट ड्रॉअर में रखनी है, ठीक। तो ये टीचर ने बच्चे को खुद मॉडलिंग करके दिखाया है। तो ये 4 टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन को हेल्पफुल होते हैं उसमें, और उसको इनरिच करते हैं कि बच्चे के साथ आप सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ करें। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। इन कोऑपरेटिव लर्निंग द टीचर गिव्स अ टास्क टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, टिपिकली 4 to 5, हु आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द टास्क बाय वर्किंग कोऑपरेटिवली विद वन अनदर। द टीचर मे असाइन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और द चाइल्ड टू प्ले अ स्पेसिफिक रोल, ठीक है। टीचर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिवाइड कर सकती है। इंटरेस्टिंगली इम्फेसिस हैज स्विच्ड फ्रॉम अ फोकस ऑन वन इंस्ट्रक्शन फॉर इंडिविजुअल्स स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स एज रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिसीज फॉर एन IEP टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन कोऑपरेटिव लर्निंग और टीम असिस्टेड इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। आइडिया ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि हम किस तरह से जो है, या IEP ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि हम किस तरह से जो है कोऑपरेटिव लर्निंग के साथ बच्चे से काम करवा सकते हैं, कि हम ग्रुप बना दें बच्चों का और हर एक बच्चे को स्पेसिफिक रोल दे दें। एक ने कलरिंग करनी है, एक ने पेंसिल को शॉर्प करना है, एक ने कुछ और करना है, और कोई और एक्टिविटी है तो आप उनसे वो भी करवा सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूजली जो टेक्निक जो हम स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं IDD के साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो टास्क एनालिसिस है। टास्क एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल स्किल्स इन टू स्मॉलर ईजियर और लर्न सबसेट्स। दीज सब स्किल्स और सब टास्क आर देन सीक्वेंस्ड आइदर इन द नेचुरल ऑर्डर इन विच दे आर टिपिकली परफॉर्म्ड और फ्रॉम ईजीएस्ट टू मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अब हम टास्क को सब टास्क में या सब स्किल्स में डिवाइड कर देते हैं। एक टास्क को, जैसे कि आपने बच्चे को ग्लास से जग में पानी डालना सिखाना है, तो ये एक टास्क है, आपने इसे सब टास्क में डिवाइड कर दिया। और एक सब टास्क जो है हो सकता है वो 2 या 2 से ज़्यादा दिन ले, ठीक है। तो आप स्पेशल एजुकेटर्स को बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, पैशन की और पेशेंस की ज़रूरत होती है इन बच्चों के साथ डील करने के लिए, ठीक है। अब टास्क जो है उसको जब आपने कैटेगराइज करना है, उसकी जब आपने कैटेगरीज बनानी है या सब सेट बनाने हैं या सब स्किल्स में उसे डिवाइड करना है, तो 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि आप जैसे टिपिकली हम टास्क को परफॉर्म करते हैं उस तरह से डिवाइड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इजी स्टेप्स को पहले ले आएँ और डिफ़िकल्ट स्टेप्स को बाद में कर लें। असेसिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन अ सीक्वेंस ऑफ टास्क एनालाइज सब स्किल्स हेल्प पिन पॉइंट वेयर इंस्ट्रक्शन शुड बिगिन। जब आप असेस कर रहे होते हैं कि बच्चा किस लेवल तक या कौन सी सब स्किल तक पहुंच चुका है, तो वो आपको ये ज़रूर हेल्पफुल करता है या हेल्प आउट करता है कि बच्चा जो है कौन से इंस्ट्रक्शन के लेवल तक जो है वो पहुंच चुका है। अब मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दी ली हुई है यहाँ से, सब सेट्स या सब स्किल्स जो हैं वो कैसे बनानी है किसी भी टास्क की। तो आप पहले देखें कि फिगर 4.5, टास्क एनालिसिस एंड डेटा कलेक्शन फॉर्म फॉर अ स्टूडेंट यूजिंग हर स्कूल लॉकर, ठीक। बच्चे ने अपना स्कूल लॉकर यूज़ करना है, आपने उसे ये सिखाना है कि वो अपना स्कूल लॉकर यूज़ करना सीख जाए। अच्छा, अब इसके लिए क्या है कि आपने उसके एक स्कूल लॉकर
सिंपली हम चाबी पकड़ते हैं, ताला खोल देते हैं। अब ये बच्चा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के साथ है, ऑर्गेनाइजेशनल का प्रॉब्लम है, रिमेम्बरिंग का प्रॉब्लम है, सीक्वेंस का प्रॉब्लम है, जर्नलाइजेशन का प्रॉब्लम है। अब इस बच्चे के लिए आपने एक सिंपल टास्क को 17 सब टास्क और 17 सब स्किल्स में डिवाइड कर दिया है। सॉरी, पहला टास्क क्या है? कैरी बिलोंगिंग्स टू लॉकर की हुक। बच्चे ने अपनी बिलोंगिंग्स जो हैं वो की हुक तक लेकर जानी है, ठीक है, जहाँ पर चाबियाँ लटकी होंगी। लिफ्ट की ऑफ द हुक, चाबी उठानी है। टेक की एंड बिलोंगिंग्स आउट क्लासरूम डोर एंड टर्न लेफ्ट इन द हॉलवे। की भी उठा ली है, अपनी बिलोंगिंग्स भी, अपनी चीज़ें भी साथ पकड़ी हुई हैं, बैग है, जैकेट है, कुछ भी है, और आपने क्लासरूम के दरवाजे से बाहर निकलते हुए लेफ्ट हो जाना है हॉलवे की तरफ। वॉक टू द फ्रंट ऑफ हर लॉकर, अपने लॉकर के सामने जाकर खड़े होना है, ठीक है। इंसर्ट की इन टू द लॉक ऑन हर लॉकर। सिक्स्थ सबसेट या सब स्किल क्या है? टर्न की 90 डिग्री टू द राइट। सेवन्थ सबसेट क्या है? लिफ्ट ब्लैक लॉकर हैंडल। एट सबसेट क्या है? ओपन लॉकर डोर। नाइन्थ सबसेट क्या है? पुट बुक बैग इन लॉकर, पुट जैकेट इन लॉकर, पुट अदर पर्सनल आइटम्स इन लॉकर। और जाते जाते 17 वाला जो सबसेट है वो क्या है? प्लेस द की बैक टू द हुक, क्लासरूम में जाना है और उसके बाद चाबी वापस रखनी है। अब आप ये देखें, अब ये बच्चा जो है कितने दिन में ये सीखा है इस टास्क को परफॉर्म करना। पहले दिन कोशिश की, दूसरे दिन कोशिश की, तीसरे दिन कोशिश की, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन बच्चा इस काबिल हुआ कि वो अपनी बिलोंगिंग्स को, मतलब उसके पास बुक है, जैकेट है या जो भी है, वो की हुक तक लेकर जाए, वो बोर्ड तक लेकर जाए जहाँ पे सब बच्चों की कीज जो हैं वो हैंग हुई हुई हैं। उसके बाद बच्चा अगेन छठे दिन ही इस काबिल हुआ कि वो उस हुक बोर्ड में से अपनी की को उठा सके। हॉलवे तक मूव करना, अपने लॉकर तक जाना बच्चे के लिए आसान था, इसलिए वो पहले दिन से ही ये चीज़ें परफॉर्म करता रहा। अब उसके लिए डिफ़िकल्ट टास्क क्या था? डिफ़िकल्ट टास्क ये था कि उसने इंसर्ट करना है की को लॉकर के अंदर। पहले दिन वो नहीं कर सका, दूसरे दिन वो नहीं कर सका, तीसरे दिन टीचर ने उसे फिजिकल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड की, ठीक है, चौथे दिन उसने टीचर को करके दिखा दिया, पांचवें दिन भी करके दिखा दिया, छठे दिन भी करके दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? टर्न की 90 डिग्री टू द राइट। पहले दिन टीचर ने खुद करके दिखाया, दूसरे दिन टीचर ने खुद करके दिखाया, तीसरे दिन टीचर ने उसे फिजिकल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड की, ठीक है, कि बच्चे का हाथ पकड़ कर या उसको करके दिखा दिया कि हाथ पकड़ के ही है लॉक खोलने की कोशिश की। चौथे दिन टीचर ने उसे सिर्फ गेस्चर से कहा कि चाबी को 90 डिग्री तक राइट की तरफ घुमा दो, ठीक है। पांचवें दिन बच्चे ने खुद किया, छठे दिन भी बच्चे ने खुद किया। अब लिफ्ट ब्लैक लॉकर हैंडल, पहले दिन टीचर ने उसे कोशिश करके दिखाई, दूसरे दिन कोशिश करके दिखाई, तीसरे दिन जो है बच्चे ने वो फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ किया, चौथे दिन भी फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ किया, पांचवें दिन बच्चे ने जो है वो वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ उसको किया और छठे दिन इंडिपेंडेंटली कर लिया, ठीक है। पांचवें दिन टीचर ने कहा कि हैंडल को जो है ब्लैक हैंडल को उठाओ, ऊपर की तरफ उठाओ, तो बच्चे ने उठा लिया कहने से ही, और छठे दिन भी उसने खुद कर लिया, ठीक है। तो ये हर टास्क जो है इसे कंप्लीट करने में 6 6 डेज लगे हैं, आप ये देख लें, ठीक। नीचे इसकी स्कोरिंग दी हुई है, टीचर स्कोरिंग कैसे करती थी। करेक्ट का साइन है तो इसका मतलब है कि बच्चे ने इंडिपेंडेंटली किया है। बी का साइन है तो इसका मतलब है कि बच्चा भी उस स्किल के बेसलाइन लेवल पे है। जी का साइन है तो बच्चे ने गेस्चर से या विजुअल प्रॉम्प्ट को देखते हुए कर लिया। पी का साइन है तो उसने फिजिकल प्रॉम्प्ट लिया या फिजिकल हेल्प ली है। टी का साइन है तो बच्चे को टीच करना पड़ा है। वी का साइन है तो वर्बल प्रॉम्प्ट से ही बच्चे ने वो काम कर लिया। तो आप देखें कि हम अल्लाह ताला का किस किन बातों पे शुक्र अदा करें कि हम जो है एक सिंपल लॉकर को आराम से खोल लेते हैं, लेकिन बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के साथ हैं उनको एक सिंपल टास्क को हमने कितने ज़्यादा सब टास्क में डिवाइड किया है। तो दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल टेक्निक, दैट इज टास्क एनालिसिस टेक्निक फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सिस्टमेटिक फीडबैक, टू प्रोवाइड द सिस्टमेटिक फीडबैक टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स।
ठीक है, सिस्टमैटिक फीडबैक होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल फीडबैक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस फॉल्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज प्रेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कन्फर्मेशन और पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज, एंड सेकेंड कैटेगरी इज एरर करेक्शन फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, फीडबैक इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज स्पेसिफिक, इमीडिएट, पॉजिटिव, फ्रीक्वेंट एंड डिफरेंशियल, कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद पास्ट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू रेड 110 वर्ड्स टूडे जर्मन, डेट्स 5 मोर देन यस्टरडे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि फीडबैक जो है ना क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक सा होना चाहिए। यस, वेरी गुड, वाओ, यू आर कलरिंग विद इन द बॉर्डर लाइन्स, वाओ, यू आर कलरिंग विद इन द बॉर्डर लाइन्स, यस यस, प्लीज कीप गोइंग, कीप गोइंग। इमीडिएट फीडबैक होना चाहिए, जैसे जैसे बच्चा बॉर्डर लाइन के अंदर कलर कर रहा है आप फौरन उसे कह रहे हैं यस वेरी गुड वेरी गुड। पॉजिटिव होना चाहिए, इनकरेजिंग वर्ड्स होने चाहिए, वाओ वेरी मेस्मराइजिंग, वाओ वेरी गुड। ठीक है, फ्रीक्वेंट होना चाहिए, बार बार बच्चे को करते रहे। एक लाइन पे उसने बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर ली है, बॉर्डर के अंदर कलर कर रहा है अगर एक शेप के अंदर, ठीक है, हम पहले बॉर्डर फिलिंग सिखाते हैं बच्चे को यूजुअली कलरिंग करने के लिए। अगर उसने बॉर्डर फिलिंग सीख ली है एक शेप के, एक बॉर्डर को उसने ठीक ठीक तरह से फिल कर लिया, तो आप उसे दूसरे बॉर्डर की तरफ जब वो जाने लगा तो आप फौरन फ्रीक्वेंटली उसे कहें यस यस वेरी गुड, मूव ऑन कीप गोइंग, यस टू द लेफ्ट टू द राइट, यस वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि डिफरेंशियल होना चाहिए, मतलब कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को डिफरेंशिएट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अली ने कल 110 वर्ड्स जो है रीड किए थे, ठीक है, सॉरी कल 105 रीड किए थे, आज उसने 110 किए हैं, तो आप उसे बताएं कि वाओ अली, यू रेड वेरी वेल एंड यू रेड 110 वर्ड्स टुडे, डेट्स 5 मोर देन यस्टरडे। ठीक है, आप क्वांटिटी में उसे बताएं। तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बच्चे के लिए किस तरह से प्लान करनी चाहिए, दीज वर सम रिनोव्ड रिसर्च बेस्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज, देयर आर मैनी मोर यू कैन यूज़, बट आई हैव पिक्ड फ्रॉम द बुक्स आई हैव शेयर्ड विद यू इन योर गूगल क्लास रूम, दीज वर द सम रिनोव्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज डैट कैन बी यूज फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंटल डिसबिलिटीज टू इन्हेंस देयर स्ट्रेंथ्स टू हैपन द टू इफेक्टिवली हैपनिंग ऑफ द अडेप्टेड करिकुलम। कि आपने जो करिकुलम अडेप्ट कर लिया उसने उसको आपने सक्सेसफुल कैसे बनाना है, उसकी ट्रू इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कुछ टीचिंग स्ट्रेटजी से गुजरना पड़ता है। वेल, थैंक यू, दिस वाज फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज़।